नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में बैटल ऑफ सरायघाट, सरायघाट की लड़ाई के बारे में हम चर्चा करेंगे। सरायघाट की लड़ाई और इसके नायक रहे लाचित बोरफुकन के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। जितना आपने छत्रपति शिवाजी या महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा, उतना शायद लाचित बोरफुकन का नाम आपने नहीं सुना हो। तो मेरी और स्टडी आईक्यू की यही कोशिश है कि देश के इस महान योद्धा के बारे में असम के बाहर भी सभी व्यक्तियों को जानकारी हो। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। शुरुआत करने से पहले एक बात और बताना चाहता हूँ कि स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव और टैबलेट कोर्सेज सभी प्रकार के गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनके लिए अवेलेबल हैं। एसएससी, बैंक, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, और ये आपको हमारी वेबसाइट studyiq.com पे मिल जाएंगे और इनकी सारी डिटेल्स भी आपको वहाँ मिलेंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। सरायघाट की लड़ाई हुई थी 1671 ईस्वी में, AD या CE जैसा भी आप लिखना चाहें। और लड़ाई किसके बीच में हुई थी? मुगल साम्राज्य और अहोम राज्य के बीच। जगह थी सरायघाट, जो आज गुवाहाटी शहर में आता है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो लड़ाई नदी पर भी हुई थी, यानी नेवी बोट्स में लड़ाई, बोट्स के बीच में भी लड़ाई थी और साथ ही साथ ज़मीन पर भी लड़ाई थी नदी के किनारे पर। तो ब्रह्मपुत्र नदी, सरायघाट। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या क्या जानकारी मिल जाएगी? पहली बात, अगर आपने नहीं सुना है, आप नहीं जानते कि अहोम कौन थे, अहोम राज्य क्या था, तो यहाँ पे आपको मैं अहोम और उनकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। फिर हम देखेंगे मुगल और अहोम के बीच में जो लड़ाई थी उसके क्या कारण थे। लाचित बोरफुकन कौन थे, उनकी शॉर्ट में जीवनी देखेंगे, बायोग्राफी देखेंगे, और सरायघाट की लड़ाई के बारे में बात करेंगे। और आखिर में इस लड़ाई के बाद क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पावर कहाँ गया अहोम और मुगल्स के बीच। तो शुरुआत करते हैं अहोम वंश के बारे में जानकर। अहोम वंश की स्थापना 1228 में हुई थी और ये 1826 तक चला। लगभग 600 साल का समयकाल, बहुत ही लंबा समय था ये, 13वीं सदी से 19वीं सदी तक, जिसमें अहोम वंश ने आज का जो असम स्टेट है उस पर राज किया, असम पे। तो असम में अहोम साम्राज्य की स्थापना करी थी सुखफा नाम के एक राजकुमार ने। सुखफा आए थे शान स्टेट जो है म्यांमार में, ये कहाँ आता है, बर्मा में। तो बर्मा का एक एरिया है, बर्मा में पूर्व की तरफ है, पश्चिम की तरफ नहीं, जो भारत से लगता हुआ इलाका है वहाँ से नहीं, पूर्व की तरफ। तो पूर्वी एरिया शान, वहाँ से एक राजकुमार आया और उसने भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के पास में जो मैदानी इलाका है जिसे आज हम असम कहते हैं, वहाँ पे इस अहोम साम्राज्य की स्थापना करी और ये उसके पहले राजा थे। और ये आए थे पटकई पहाड़ों को क्रॉस करके, ये उनका, ये इस वंश का सिंबल था। तो ये पटकई पहाड़ कहाँ पर थे, देखो इस मैप में, ये हैं पटकई बूम, ये है नागा हिल्स। तो नागालैंड, मणिपुर और जो अरुणाचल का एरिया है यहाँ पे, ये पूर्वांचल हिल्स हैं और यहाँ पे है मिजो हिल्स और इसी के पास में मेघालय में है गारो खासी जयंतिया। तो आपको ये माउंटेन रेंजेस, इनके सीक्वेंसेस अच्छे से पता होने चाहिए, ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अहोम राज्य का लगभग ये एरिया रहता था। तो जब अहोम राज्य अच्छे से स्थापित हो चुका था, मैक्सिमम अपने एक्सटेंट पर था, तो लगभग पूरी ब्रह्मपुत्र की वैली जो आज असम में आती है, मैदानी इलाका है, उस पर अहोम राज्य का राज था। यहाँ पे पश्चिम में उनका जो, उनकी बाउंड्री है वो थी मानस नदी। कैपिटल था गढ़गांव, जोरहाट, अलग अलग समय पे कैपिटल बदलते रहते थे। तो मेनली ये वाला यहीं पे, इसी एरिया में कैपिटल रहता था, गढ़गांव, जोरहाट के आसपास, शिव सागर के आसपास, तो यहाँ पे कैपिटल रहता था। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के किनारे ये अहोम राज्य बसा हुआ था। मध्यकालीन इतिहास में अहोम के राजाओं को कहा जाता था असम राजा, जबकि वहाँ के जो लोग हैं वो उन्हें कहते थे चाओफा। चाओ का मतलब होता है शासक और फा का मतलब होता है स्वर्ग। तो चाओफा का सिंपल सा मीनिंग है कि स्वर्ग का राजा, स्वर्ग देव। तो ये 16वीं सदी से हमें ये नाम मिल रहा है। तो स्वर्ग देव भी कई बार राजा को कहा जाता था वहाँ पर। अहोम के राजाओं की खास बात ये थी कि हालाँकि ये म्यांमार या बर्मा वाला जो एरिया है वहाँ से आए थे, तो ये कल्चर काफ़ी अलग था, रिलीजन पूरी तरह से अलग था जो भारत में प्रैक्टिस है उससे, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पर आकर हिंदुइज्म के कल्चर को अपनाया, क्योंकि यहाँ पे जो, जिस जनता पे उन्हें शासन करना था वो मेनली हिंदुइज्म को फॉलो करती थी, हिंदू धर्म को फॉलो करती थी। तो इसीलिए अहोम राज्य में बहुत हिंदू इन्फ्लुएंसेस हैं, और इनफैक्ट जो राजाओं की लीनियज है, यानी वहाँ के जो इतिहासकार हैं, उन्होंने ये कहा है कि अहोम राजा कहाँ से आए हैं, भगवान इंद्र से निकले हुए हैं, यानी इंद्र भगवान के वंशज हैं अहोम राजा। अब अहोम राजा एक अलग एरिया से आए थे, अलग जगह से आए थे, और उन्होंने यहाँ पे आके शासन किया।
तो आप ये मत सोचिए कि अहोम वंश के साथ हजारों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर असम में आ गई म्यांमार से, जी नहीं, ऐसा नहीं था। केवल कुछ लोग आए थे और उन्होंने यहाँ पे शासन अपना स्थापित किया और उसे बढ़ाया। तो ऐसा नहीं है कि असम की पूरी आबादी अहोम कहलाती थी। इनफैक्ट जब आखिरी सर्वे हुआ था, जिसमें सेंसस हुआ था, जब ये सवाल पूछा गया था 1901 में, तो लगभग 10% लोगों ने, असम के 10% लोगों ने कहा था कि हम अहोम हैं, यानी अपने आप को अहोम के रूप में आइडेंटिफाई किया था, या जैसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हाँ, हम उनके वंशज हैं। तो आज भी असम में 10-25% के बीच में आबादी अहोम डिसेंट की मानी जाती है। तो क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू धर्म को मानती थी और हिंदू धर्म के लोगों पे ही उन्हें राज करना था, तो अहोम राजाओं ने भी हिंदू धर्म के संस्कृति को अपनाया, तौर तरीकों को अपनाया, और उनके कल्चर पे हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें दिखता है। इनफैक्ट अहोम राजाओं के इतिहास का, अहोम राजाओं का जो वंश है, इतिहासकारों ने, वहाँ के इतिहासकारों ने उसे भगवान इंद्र से जोड़ दिया। उन्होंने बताया कि भगवान इंद्र के वंशज हैं जो अहोम राजा हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे हिंदुइज्म का बहुत इन्फ्लुएंस पड़ा था अहोम वंश पे। अहोम राज्य में जो मंत्री होते थे उनमें 5 इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं और ये उनके नाम हैं। नाम आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्योंकि बोरफुकन यहाँ पे है इसीलिए मैंने ये बताया आपको। तो 5 मंत्री होते थे, ये पोस्ट थी बोरगोहाई, बोरगोहाई, बोरपात्रोगोहाई और बोरबरुआ और आखिर में बोरफुकन। तो बोरफुकन मिलिट्री लीडर है, आर्मी के कमांडर को कहा जाएगा। आई होप मैंने ये नाम सही से प्रोनाउंस किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो असम के लोगों से मैं अभी से एडवांस में माफ़ी मांगता हूँ। कमेंट्स में बताइएगा कि जो भी प्रोनाउंसिएशन है वो सही या गलत। तो अहोम साम्राज्य जो 600 साल तक स्थापित था और भारत के कुछ चुनिंदा राज्यों में से था जिन्हें मुगल वंश अपने अधीन नहीं कर पाया, उस अहोम वंश को फाइनली किसने ख़त्म किया? इसका आंसर आता है बर्मा और इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच की जो लड़ाई थी उसके बीच में अहोम साम्राज्य ख़त्म हो गया। कैसे? बर्मा ने, जो बर्मा के राज्य थे, उत्तरी बर्मा के जो किंगडम्स थे, उन्होंने असम पे हमले किए लगातार 1817 के बाद। तो 3 बार हमले किए गए और 1821 में बर्मा के अधीन आ गया अहोम साम्राज्य, पूरी तरह से बर्मा के अधीन था। फिर हुआ ये कि बर्मा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया कुछ ही सालों बाद, और उन दोनों के बीच में साइन होती है यांडाबो की संधि। यांडाबो एक जगह है। तो यांडाबो की संधि में बर्मा हार गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे कई शर्तें अपनी मनवा ली। उन्हीं शर्तों में से एक ही शर्त ये थी कि अहोम राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो तभी से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे असम को अपने कंट्रोल में ले लेती है और अहोम वंश खत्म हो जाता है। अब आते हैं फिर से 16वीं और 17वीं शताब्दी में, जहाँ की कहानी हमें जाननी है। तो 16th और 17th century में ये बड़े बड़े राज्य थे उत्तर पूर्वी भारत में। तो जो आपको ब्लू में दिख रहा है, डार्क ब्लू में, वो तो है अहोम राज्य। और यहाँ पे देखिए इनके पड़ोसी कौन है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। पड़ोस में है यहाँ पे कूच किंगडम, कूच बिहार जिसे कहते हैं। तो कूच बिहार का किंगडम है और इसमें बाद में 2 हिस्से हो गए थे, वेस्ट और ईस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपस में भाइयों में ही लड़ाई हो गई जिसके कारण राज्य को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। उत्तर में है भूटान, दक्षिण में है जयंतिया और यहाँ पे मणिपुर, कचार, और ये जो मुगल, ये जो ब्राउन कलर में आपको दिख रहा है, ये पूरा मुगल साम्राज्य है। तो मुगल साम्राज्य, आज का जो बांग्लादेश का एरिया आपको दिखता है, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, यहाँ तक तो मुगल साम्राज्य आ चुका था। ये तब क्या था पूरा? ये पूरा बंगाल कहलाता था, पश्चिम बंगाल प्लस बांग्लादेश तब का बंगाल सूबा था मुगल समय काल में। और अब मुगल साम्राज्य की कोशिश क्या रहेगी कि उत्तर में जाया जाए, यानी ब्रह्मपुत्र की जो वैली है, ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का इलाका है, वहाँ पे अपने आप अपना साम्राज्य आगे बढ़ाया जाए। तो अहोम और मुगल वंश के बीच में शुरुआत से रिश्ते कुछ ठीक नहीं रहे। कारण क्या था? पहला कि मुगलों ने अपने आप को कूच बिहार के साथ अलाई किया, यानी उन्होंने कूच बिहार का कई बार सपोर्ट किया। और कूच बिहार और अहोम पुराने समय से आपस में दुश्मनी रहती थी, कभी दुश्मनी कभी दोस्ती, क्योंकि पड़ोसी हैं तो वैसे ही पड़ोस में झगड़े तो होते ही हैं। तो कूच बिहार को उन्होंने सपोर्ट किया जो उनके पश्चिम की ओर थे। दूसरा, मुगल अपने आप को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में बढ़ाना चाहते थे। मुगल साम्राज्य जहाँ अकबर के समय से ये कोशिश कर रहा था कि फ्रंटियर आगे बढ़ाया जाए, तो इससे अहोम के जो राजा हैं वो थोड़े से चिंतित हो गए थे। उन्होंने देखा कि स्थिति गंभीर है, मुगल आर्मीज़ अभी शायद इतनी पावरफुल नहीं है लेकिन बार बार कोशिश कर रही हैं, तो कभी ना कभी तो सफलता उन्हें मिलेगी। फिर जो मुगल पॉलिसी है वो हमेशा एक्सपांशनिस्ट रही है। एक्सपांशनिस्ट का मतलब है कि जितना आगे आप बढ़ सकते हैं बढ़ते रहिए। तो आप देखेंगे बाबर के समय से, जब केवल जो गंगा यमुना वाला बेल्ट है वहाँ पे बाबर और हुमायूं का रूल था, वहाँ से उन्होंने लड़ाइयाँ जीतते हुए
अकबर ने, खास करके अकबर ने मुगल साम्राज्य को बहुत बड़ा बना दिया था। एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी, वो एक राज्य नहीं, वो एक साम्राज्य बन चुका था, और वही पॉलिसी जहांगीर, शाहजहां ने कंटिन्यू रखी और औरंगजेब ने भी वही किया। तो इन सभी ने मुगल साम्राज्य को लगातार बढ़ाया और भारत के लगभग पूरे हिस्से पर, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे देश जो आज के देश हैं, इन सभी पे मुगल साम्राज्य का रूल था। तो लक्ष्य क्या था? ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का जो बहुत ही फर्टाइल इलाका है, उसे अपने कब्जे में लिया जाए, उसे अपने रूल में लाया जाए। तो इसी तरह से ये कुछ मुख्य कारण हैं। और अब जब इतनी दिक्कतें हैं, तो कुछ ना कुछ बीच में छोटे मोटे डिस्प्यूट तो होने लग ही गए थे अकबर के समय से। तो ट्रेड और बाउंड्री डिस्प्यूट रहते थे कि वहाँ के मुगल एरियाज़ के व्यापारी आकर अहोम में व्यापार नहीं करेंगे, अहोम वाले व्यापारी जब वहाँ जाते थे तो उन्हें परेशान किया जाता था। तो इस तरह से कुछ छिटपुट घटनाएँ शुरू होती हैं, लेकिन जो मेन लड़ाई शुरू हुई वो हुई कूचबिहार के कारण। तो 1615 में लड़ाइयाँ शुरू होती हैं और 1682 तक चली, और इस बीच में लगभग 18 बड़ी लड़ाइयाँ या मेजर कैंपेन्स हुए हैं, और बहुत बार छोटी मोटी लड़ाई होती रही। 1615 में जो मेन शुरुआत हुई थी वो कूचबिहार के कारण हुई। कूचबिहार में आपस में परिवार में, जो राज परिवार था उसमें आपस में फूट पड़ गई दो भाइयों में कि कौन राज करेगा। किंगडम को दो हिस्सों में बांटा भी गया, लेकिन फिर भी बात कुछ बनी नहीं। फाइनली एक और मुगल एक फैक्शन जो था, एक गुट को सपोर्ट किया मुगलों ने और दूसरे गुट को सपोर्ट किया अहोम्स ने। तो इस कारण से ये दोनों कूचबिहार के कारण आमने सामने आ गए और ओपन बैटल, खुले आर्म्स आमने सामने की जो लड़ाई होती है वो शुरू हो गई। ये सिलसिला 1682 तक चलता रहा, जब फाइनली औरंगजेब ने अपने अटैक्स बंद कर दिए अहोम राज्य पे, और इस तरह से अहोम राज्य बचा रह गया, वो अपना साम्राज्य, अपनी ज़मीन बचाने में कामयाब रहा। अब हम आते हैं लाचित बोरफुकन के ऊपर, उनके बारे में शॉर्ट में जानेंगे कि उनकी लाइफ के बारे में। तो 1682 में इनका जन्म होता है एक गवर्नर के घर पे, यानी इनके जो पिता थे मुमई तामूली, वो खुद बोर बरुआ थे, सीनियर गवर्नर थे, बहुत बड़े एरिया के प्रशासक थे। तो इन्हें ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स की पढ़ाई करवाई गई, इन्हें मिलिट्री टैक्टिक्स की पढ़ाई करवाई गई, और साथ ही साथ होली स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक किताबों की पढ़ाई करी। तो इनकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी थी। फिर इन्होंने धीरे धीरे इन्हें अलग अलग ऑफिसेस पे अपॉइंट किया गया। तो कई पोजीशंस पे रहने के बाद ये राजा के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे थे, दरबार में भी रहे। उसके बाद फाइनली इन्हें सेना की कमान दी गई। तो ये अहोम आर्मी के जनरल थे, और इनके समय में इन्होंने आर्मी को बहुत मजबूत बनाया, सोल्जर्स की ट्रेनिंग सुधारी, कई सारे प्रोटेक्टिव डिफेंसेस बनाए जहाँ पे अटैक होने में डिफेंस किया जा सके, उस पे उन्होंने बहुत ध्यान दिया। और कई सालों तक ये जो डिफेंसेस हैं कैपिटल के, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो मुख्य शहर हैं, उन सभी के डिफेंसेस सुधारते गए। लचित बोरफुकन एक देशभक्त व्यक्ति थे, इन्हें अपनी ज़मीन और अपने देश से बहुत प्यार था, अहोम राज्य से। साथ ही साथ ये एक बहुत ही चालाक राजनयिक थे, इन्होंने डिप्लोमेसी का यूज़ किया लड़ाई को डिले करने के लिए, या फिर लड़ाई में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, आगे बताऊँगा कैसे। और बहुत अच्छे मिलिट्री लीडर तो थे ही। इनके मिलिट्री करियर की सबसे महत्वपूर्ण जीत थी 1667 में, जब इन्होंने गुवाहाटी पे हमला करा और मुगलों से उसे फिर से छीन लिया। गुवाहाटी हमेशा अहोम के पास था, लेकिन 1662 में वो मुगल के पास चला गया था, मुगल आर्मी ने उस पर कब्ज़ा जमा लिया था। और उसके बाद 1671 में फिर से उन्होंने गुवाहाटी की रक्षा करी सरायघाट की लड़ाई पे। तो ये उनके मिलिट्री करियर के दो हाईलाइट्स हैं। तो ये कमांडर इन चीफ थे आर्मी के सरायघाट की लड़ाई के समय। और उस लड़ाई से पहले जो राजा थे अहोम राजा, उन्होंने लचित को एक सोने से जड़ी हुई तलवार दी थी जिसका हैंडल सोने का बना था, और इन्हें कहा था कि इस तलवार को लो और मुगल आर्मी को हराकर वापस आना। 24 नवंबर जो कि उनका जन्म दिवस है, उसे असम में लाचित दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन उनकी वीरता को याद किया जाता है। इनकी वीरता से और इनके निष्पक्षता से जुड़े हुए कुछ किस्से हैं। जब सरायघाट की लड़ाई से पहले ये अपनी आर्मी को और अपने डिफेंसेस को तैयार कर रहे थे, तो इन्होंने एक दीवार बनाने का काम अपने मामा को सौंपा। इनके मामा भी अफसर रहे होंगे सरकार में या फौज में, तो इन्होंने अपने मामा को एक काम दिया कि आप ये दीवार आप तैयार करवाइए डिफेंसेस के लिए। तो उनके मामा ने वो काम अधूरा रखा, पूरा नहीं किया। जब वो ये देखने पहुंचे कि काम कैसा चल रहा है, तो देखा कि दीवार का काम तो अभी तक हुआ ही नहीं। तो इन्हें अपने मामा पे बहुत गुस्सा आया। उनके मामा ने शायद ये सोचा होगा कि मेरा ही रिश्तेदार है आर्मी जनरल, मुझे कोई कुछ क्या कहेगा। लेकिन उन्होंने अपने रिश्तेदार का सर, अपने मामा का सर धड़ से उसी वक्त अलग कर दिया और ये कहा कि मेरे रिश्तेदार मेरे देश से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, एंड अंकल इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज द कंट्री।
इससे सैनिकों में एक खौफ फैल गया और उन्हें अपनी ड्यूटी का, अपने कर्तव्य का एहसास हुआ कि हमें हमारे देश को बचाना है, हमारे राज्य को बचाना है, तो हमें अपनी कमर कसनी होगी। फिर सरायघाट की लड़ाई का ही एक और किस्सा है। लड़ाई के वक्त लाचित की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो बिस्तर में पड़े थे, उठ भी नहीं पा रहे थे, इतने बीमार थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक वक्त पे अहोम सेना हार रही है और सैनिक लौट कर वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी बीमारी से उठते हुए बोट में बैठे और अपने साथ दूसरे सैनिकों को भी लेकर बैठने लगे। लेकिन फिर भी जब सैनिक लौट रहे थे तो उन्होंने उन सैनिकों से कहा कि तुम्हें भागना है तो तुम भागो, लेकिन जाकर राजा को ये ज़रूर कहना कि लाचित बोरफुकन ने अपने जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया, मेरे को जो ऑर्डर दिए गए थे उन्हें मैंने पूरा किया, चाहे मुझे मुगल ले जाएं या मार दें, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा, मैंने जो राजा को जो मैंने वादा किया है उसे मैं पूरा करके ही वापस आऊँगा। अब हम आते हैं सरायघाट की लड़ाई पे। तो मुगल और अहोम के बीच में 1615 से लड़ाइयाँ जारी थी। 1661 में एक बहुत बड़ी मुगल आर्मी आती है असम और उसने अहोम आर्मी को हराते हुए उनके कैपिटल तक पहुंच गए, बरगांव तक पहुंच गई वो आर्मी, मुगल आर्मी, और वहां पे अहोम राजा को एक संधि साइन करनी पड़ी, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात थी अहोम राजा के लिए कि कैपिटल में हार गए हैं और संधि साइन कर रहे हैं। उस संधि के तहत उन्हें काफ़ी पैसे देने पड़े, साथ ही साथ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को उन्हें गुवाहाटी भी देना पड़ा। तो गुवाहाटी और उसके आसपास का इलाका जिसे कामरूप कहते हैं, कामरूप डिस्ट्रिक्ट है आज भी वहाँ पे, तो कामरूप का जो एरिया है वो मुगल्स के पास चला गया। उसके बाद लचित बोरफुकन को आर्मी का कमांडर बनाया गया और लचित के ही नेतृत्व में 1667 में अहोम ने फिर से गुवाहाटी जीत लिया। ये खबर जब औरंगज़ेब के पास पहुंची तो औरंगज़ेब ने अपने एक बहुत ही काबिल राजपूत आर्मी जनरल मिर्ज़ा राजा राम सिंह, यानी ये आमेर, जयपुर आज का जो जयपुर है, आमेर के राजा मिर्ज़ा राजा राम सिंह को भेजा था। ये जय सिंह के बेटे थे, जय सिंह द फर्स्ट के। तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह भी मुगल्स के लिए बहुत एक पावरफुल आर्मी कमांडर रहे थे, कई लड़ाइयाँ उन्होंने जीती थी और ये उन्हीं के बेटे थे, मिर्ज़ा राजा राम सिंह। तो राम सिंह के नेतृत्व में आर्मी भेजी गई अहोम्स को अटैक करने के लिए और 1669 के आसपास ये वहाँ पहुँचे, असम पहुँचे, क्योंकि देखो ट्रैवल में भी बहुत टाइम लगता है, दिल्ली से एक आर्मी को असम तक लाना कम से कम 6 महीने 1 साल का काम है। उस समय अहोम राजा थे चक्रध्वज सिंघा और आर्मी का कमांडर कौन थे हम देख ही चुके हैं, लाचित बोरफुकन। मुगल आर्मी संख्या में बहुत ज़्यादा थी तो इस आर्मी को रोकने के लिए लाचित बोरफुकन ने सबसे पहले बातचीत का रास्ता अपनाने का नाटक किया। उन्होंने नेगोशिएशन की बात करनी शुरू करी, यानी अपनी ओर से एक दूत भेजा कि राम सिंह से बात करें कि हम बातचीत कर सकते हैं, और बातचीत नहीं करनी थी, उन्हें अपने जो डिफेंसेस थे वो पूरे करने थे। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे वो जगह जगह डिफेंसेस बना रहे थे, अपने किलों को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, दीवारें बनवा रहे थे ताकि डिफेंस अच्छे से हो सके। तो जब आर्मी पहुंची थी, मुगल आर्मी पहुंची, तब वो तैयार नहीं थे, तो ये बातचीत का बहाना उन्होंने बनाया ताकि उन्हें 1-2 महीने मिल जाएं और वो उस समय में अपने डिफेंसेस पूरे कर लें। फिर फाइनली जब राम सिंह ने अपना दूत भेजा ये कहते हुए कि अच्छा ठीक है, बातचीत हो रही है तो अब आप सरेंडर कर दो, ये शर्तें हैं, तब उन्होंने फाइनल रिप्लाई भेजा कि मुझे और मेरे राजा को भगवान ने ये धरती दी है, हमें यहाँ पैदा किया है, तो ये हमारी है और इस धरती से हम तो नहीं जाने वाले। फिर मिर्ज़ा राजा जय सिंह को ये समझ में आया कि ये सब तो एक चाल थी और लड़ाइयाँ शुरू हुई। तो 1669 और 70 लगभग 1.5 साल तक बहुत जगह लड़ाइयाँ होती रही। अहोम आर्मी कई जगह गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती थी, छापामार युद्ध के तरीके अपनाती थी, क्योंकि संख्या में मुगल आर्मी बहुत बड़ी थी और अहोम आर्मी थोड़ी सी कम थी संख्या में। तो बहुत बार लड़ाइयाँ हुई, कई जगह अहोम जीते, कई जगह मुगल जीते, लेकिन 1.5 साल की इस लड़ाई में दोनों साइड को नुकसान होता गया। फाइनली क्या होता है कि अहोम्स को चैलेंज किया राजा राम सिंह ने, उन्होंने अहोम राजा को चैलेंज किया कि आप लोगों में खुलकर सामने आकर लड़ाई लड़ने की कैपेबिलिटी नहीं है, ताकत नहीं है। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अहोम आर्मी 10,000-20,000 की संख्या में अहोम आर्मी आई, लेकिन वहाँ पे अहोम की हार होती है और ये जगह थी अलाबोई, तो इस जगह पे अहोम्स की बहुत भारी हार हुई, यहाँ पे लगभग 10,000 अहोम सैनिक मारे गए। इस हार के बाद अहोम की स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई थी और ऐसे ही समय उनके राजा चक्रध्वज सिंघा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके भाई उदादित्य सिंघा गद्दी पर बैठते हैं और उदादित्य सिंघा ने भी लचित बोरफुकन पर अपना भरोसा बनाए रखा और उन्होंने अब ये तय किया, अहोम कमांडर्स, अहोम मिलिट्री जनरल्स थे, उन सब ने मिलकर ये तय किया कि हमें आखिरी लड़ाई अब लड़नी चाहिए गुवाहाटी में, गुवाहाटी में हमें अपना लास्ट स्टैंड लेना चाहिए,
क्योंकि गुवाहाटी एक तो पहाड़ी इलाका है, उसके आसपास पहाड़ हैं, तो वहाँ पे डिफेंस आराम से हो सकता है। और दूसरा, गुवाहाटी क्रॉस करे बिना आप जो मेन होम टेरिटरी है उसमें अंदर तक नहीं आ सकते, यानी गुवाहाटी बिल्कुल शुरुआत में ही आ जाता है, ये मैप देखो तो गुवाहाटी यहाँ पर है और मुगल आर्मीज यहाँ से ही आती थी बंगाल से। तो गुवाहाटी जो है ऐसी जगह पे है जहाँ पे जीतना ज़रूरी है, वरना उसके बिना आप अंदर नहीं आ सकते। जो इनका कैपिटल है यहाँ पे गढ़गांव जोरहाट, यहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ हैं तो मुग़ल आर्टिलरी, जो मुग़ल घोड़े हैं, मुग़ल हाथी हैं, वो यहाँ पे इतनी मोबिलिटी नहीं रख पाएंगे, इतनी आसानी से अपने आप को मैन्यूवर नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे अहोम्स को फ़ायदा रहेगा। और आखिर में एक बहुत बड़ा कारण था कि ब्रह्मपुत्र नदी, जो कई जगह 8-8, 10-10 किलोमीटर चौड़ी है, गुवाहाटी के पास से निकलते वक्त केवल 1 किलोमीटर जितनी उसकी चौड़ाई रह जाती है। इस मैप में देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। सैटेलाइट व्यू से ही आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी नदी है और कई जगह जो इसका फैलाव है 8-10 किलोमीटर तक हो जाता है। लेकिन गुवाहाटी के आसपास ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो केवल 1 किलोमीटर यहाँ पे चौड़ी है। तो ये देखिए, ये जो ब्रिज दिख रहा है इसका नाम ही सरायघाट ब्रिज है, गुवाहाटी शहर को जोड़ता है ये उत्तर वाला जो एरिया है गुवाहाटी का, उत्तर और दक्षिण का। तो यहाँ पे केवल 1 किलोमीटर नदी की चौड़ाई है, तो ये सबसे बेस्ट एरिया है। और यहाँ पे सब देखिए पहाड़ हैं, तो इसीलिए ये वाली जगह चूज़ करी गई लड़ाई के लिए अहोम कमांडर्स के द्वारा। मुग़ल आर्मी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए लचित ने बहुत जगह मड एम्बैंकमेंट्स, मिट्टी की दीवारें बनवाई गुवाहाटी के आसपास, ताकि मुग़ल आर्मीज आगे ना बढ़ सकें। तो जब मुग़ल आर्मी आगे नहीं बढ़ पाएगी तो उसे अपनी नेवी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मुग़ल नेवी इतनी ताकतवर नहीं थी, ये बात लचित को पहले से पता है। लेकिन होता ये है कि लड़ाई से कुछ दिन पहले ही शाइस्ता खान, जो कि औरंगज़ेब के मामा जी थे, औरंगज़ेब के अंकल थे और बंगाल के सूबेदार थे, बहुत सीनियर सूबेदार थे, वो बहुत सारी आर्मी और कई और बोट्स लेकर, री इन्फोर्समेंट्स लेकर वहाँ पे पहुँचते हैं सरायघाट। तो राजा राम सिंह की आर्मी है ही वहाँ पे, और अब और एक टुकड़ी आ गई है शाइस्ता खान के नेतृत्व में, तो अब मुग़ल आर्मी और ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। तो ये नक्शा आपको दिखाता है अप्रॉक्सीमेटली कहाँ कहाँ पे सेनाएं थी दोनों और कहाँ पे लड़ाई हुई। तो यहाँ पे गुवाहाटी शहर है, ठीक है, ये और ये उत्तर में यहाँ पे सरायघाट है। तो यहाँ से मुग़ल आर्मी आती है उत्तर की ओर से, और यहाँ पे अहोम ने अपना डिफेंस रखा, और इस एरिया के बीच में ये जो ट्रायंगल बना दिख रहा है, यहाँ पे वो नेवल बैटल होती है, बोट्स के बीच में जो नेवल शिप्स के बीच में लड़ाई है वो यहाँ पर हुई। अब लड़ाई के दिन अहोम सेना को एक बहुत बड़ा झटका लगा जब उनके कमांडर इन चीफ लचित बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, इतने ज़्यादा बीमार कि डॉक्टरों ने उन्हें मना किया कि आप बिस्तर से उठ के बाहर भी नहीं जाओगे, लड़ाई लड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो लचित मैदान में नहीं थे, लेकिन अहोम सेना एक वक्त हार के कगार पर थी और सैनिक मैदान छोड़कर भाग रहे थे। ऐसे में बीमारी के बावजूद लचित बाहर आते हैं, बोट्स मंगवाते हैं, 6-7 बोट मंगवा के खुद बोट में चढ़ते हैं, कुछ सैनिकों को धक्का देते हैं, खींच के बोट में डालते हैं, और तब अपने सैनिकों से, भागते हुए सैनिकों से कहते हैं कि तुम्हें भागना है तो तुम भागो, मेरे राजा ने मुझे एक काम दिया है, एक टास्क दिया है, और मैं उसे अच्छे से पूरा करूँगा, चाहे मैं मर जाऊँ, चाहे मुझे मुग़ल उठा के ले जाएँ। तुम जाकर अपने राजा को ये ज़रूर कहना कि आपके जनरल ने अपना काम किया, उन्होंने लड़ते दम तक अपना जो टास्क है, जो जिम्मेदारी दी गई थी उसे पूरी करी, उसे पूरा किया। तो ऐसे में सैनिकों का मनोबल भी बढ़ा और कुछ सैनिक उनके साथ फिर से बोट्स में चढ़ गए, और उनको देखकर दूसरे सैनिक भी फिर से वापस आने लगे। बोरफुकन की लड़ाई में आते ही अहोम सैनिक मुग़ल सैनिकों पर भारी पड़ने लगे और लड़ाई का पासा बिल्कुल पलट गया। सैनिकों ने बहुत सारी बोट्स को, छोटी छोटी बोट्स को जोड़कर एक ब्रिज बना दिया ब्रह्मपुत्र नदी पे, जिससे वो दूसरी तरफ चले गए उत्तर की ओर, जहाँ पे मुग़ल सेना का कैंप था, और वहाँ पे भी हमला करने लगे। ये होता है बोट ब्रिज, बहुत सारी बोट्स को जोड़कर रस्सियों से बांध के ये ब्रिज बना दिया। लड़ाई में मुग़ल नेवी के एडमिरल मुनावर खान को गोली लग गई, और उन्हें गोली लगते ही मुग़ल नेवी काफ़ी बिखर गई। 3 और टॉप रैंकिंग आर्मी जनरल्स थे वो भी इस लड़ाई में मारे गए, 4,000 मुग़ल सैनिक भी मारे गए, और इस तरह से अहोम सेना ने बैटल ऑफ सरायघाट जीत ली। हमें यह नहीं पता कि एग्जैक्टली ये लड़ाई किस दिन हुई थी, लेकिन हाँ मार्च में हुई थी, मिड ऑफ मार्च में हुई थी 1671 में। अब लड़ाई के बाद में क्या होता है, तो लड़ाई के बाद में जब मुग़ल आर्मी फिर से पीछे हटने लगी, राम सिंह, मिर्ज़ा राजा राम सिंह अपनी आर्मी को लेकर पीछे मूव हो गए,
उनका पीछा किया गया मानस नदी तक, मानस नदी तक पीछा किया, लेकिन उसके आगे नहीं गए क्योंकि उसके आगे उनकी बाउंड्री थी। उसके आगे जाके उन्होंने ये समझा कि हाँ हमें आगे मुगल एरिया में हमला नहीं करना चाहिए, तो वहाँ तक ही गए। फाइनली राम सिंह जो है अगले महीने अप्रैल 1671 में कामरूप का जो एरिया है यानी गुवाहाटी और उसके आसपास का एरिया, वहाँ से विड्रॉ कर गए, अपनी आर्मी को ले गए। एक महीने तक तो वेट करे कि शायद वापस आक्रमण का मौका मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाया। एक साल बाद लाचित बोरफुकन की मृत्यु हो जाती है कालियाबोर नाम की जगह पे। और ये जो लड़ाई थी सरायघाट की लड़ाई, ये आखिरी लड़ाई नहीं थी मुगल और अहोम के बीच में। कुछ ही सालों बाद गुवाहाटी फिर से मुगल आर्मी ने जीत लिया। 1679 में लाचित बोरफुकन के भाई लालुक 16 ये उस वक्त बोरफुकन थे, इन्होंने गुवाहाटी खाली कर दिया मुगल आर्मी के आने से पहले, यानी ये पीछे हट गए, रिट्रीट कर गए। तीन साल बाद 1682 में इटाखुली की लड़ाई होती है। इटाखुली भी वहीं है, सरायघाट के पास में ही है आज का जो गुवाहाटी है। तो इटाखुली का जो किला है वो दूसरी तरफ है, साउथ में है, साउथ के वाली साइड में है। तो बैटल ऑफ इटाखुली कहते हैं वो होती है 1682 में, और ये आखिरी बड़ी लड़ाई थी। इसके बाद मुगल सेना जब यहाँ से हारी, मानस नदी तक वापस अहोम्स का राज हो गया और आगे अगले 200 साल तक उन्हीं का राज रहा। तो इस तरह से 70 साल तक चली इस लड़ाई में अहोम अपना राज्य बचाने में सफल रहे। तो इस तरह से अहोम राज्य उन कुछ चुनिंदा स्टेट्स में से है, उन कुछ चुनिंदा राज्यों में से है जिन पे मुगल शासन अपना आधिपत्य नहीं जमा पाया। लड़ाई के मैदान में लाचित बोरफुकन की सूझबूझ, समझदारी और वीरता को याद करते हुए नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवसला ने 1999 में उनके नाम पर एक मेडल देना शुरू किया। इसे कहते हैं लाचित बोरफुकन गोल्ड मेडल, जो कि हर साल NDA की पासिंग आउट में दिया जाता है। जो बेस्ट कैडेट है, बेस्ट कैडेट को ये मेडल दिया जाता है, क्योंकि आने वाले हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनसे भी यही उम्मीद की जाती है कि वो भी लड़ाई के मैदान में लाचित बोरफुकन की तरह समझदारी दिखाएं, सूझबूझ रखें और ज़रूरत पड़ने पर अपने साथी सैनिकों का मनोबल उसी तरह से बढ़ा सकें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, और यहाँ पे मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि देश का हर व्यक्ति लाचित बोरफुकन जैसे नायकों को जान सके और पहचान सके। धन्यवाद।